सोलन में कांग्रेस लगातार भाजपा पर प्रहार कर रही है। कांग्रेस ने पहले भाजपा को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा, लेकिन आज भारत में बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोष रैली कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार की अध्यक्षता में निकाली। डीजल के कीमतों को लेकर सोलन के माल रोड पर भाजपा पर कांग्रेस ने हल्ला बोला और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शिव कुमार ने इस मौके पर कहा कि भाजपा ने भारत की जनता से कहा था कि सत्ता में आते ही महंगाई को कम करेंगे, देशवासियों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उनकी सभी बातें झूठी साबित हुई हैं। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति आहत है और महंगाई से त्रस्त है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि कोरोना से भारतवासी जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए था कि आम आदमी को राहत प्रदान करते और महंगाई पर नियंत्रण कर आम आदमी का साथ देते, लेकिन यहां तो केंद्र की सरकार मूल्य कम करने के स्थान पर कीमतों को बढ़ाने में लगी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी प्रदेश की जनता को लूटने में लगी है। जहां एक ओर केंद्र ने डीजल के रेट बढ़ाए, वहीं प्रदेश सरकार ने कैबिनेट का पहला फैसला लिया जिसमें उनके द्वारा बिजली की दरें ही बढ़ा दी गई, जिससे अब भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा सभी के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेत्रियां महंगाई को लेकर प्रदर्शन करती रही हैं, लेकिन आज वे कहां गायब हैं, किसी को खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में सभी चीजों के दाम बढ़ना तय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में न केवल कांग्रेस बल्कि प्रदेश की जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी और उनसे जवाब मांगेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हुई है, जिससे साबित होता है कि भाजपा सरकार देशवासियों का खून चूस रही है। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संजीव ठाकुर, कांग्रेस नेता विनोद सुल्तानपुरी, रमेश ठाकुर, सुरेंद्र सेठी, पुनीत शर्मा, विनेश धीर, उषा शर्मा, सावित्री संख्यान आदि मौजूद रहे। कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बराबर होगी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले इनकी नेत्रियां जो बात बात पर चूड़ियां सुर्खियां पता नहीं क्या क्या भेजती थी, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वो चूड़ियां किसके नाम से तोड़ दी, किसके नाम की चूड़ियां उन्होंने पहनी थी और किसके नाम की उन्होंने चूड़ियां तोड़ दी, उनसे पूछना चाहते हैं। पूरा देश, महंगाई का असर सिर्फ हम ही लोगों को नहीं है, कांग्रेस जन को नहीं है, महंगाई का असर आम जनता पर पड़ रहा है। डीजल की कीमतें बढ़ी, कल से दूध के रेट भी बढ़ेंगे, ब्रेड के रेट भी बढ़ेंगे, जो हमारी निजी जरूरतें हैं उनकी सब रेट बढ़ेंगे। और माननीय हमारे इस समय में माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी कहाँ, तो हम कह रहे थे कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए जाए, कल उन्होंने बिजली की दरें भी बढ़ा दी। कैबिनेट का पहला फैसला बिजली की दरें बढ़ाने का ही था। एक तरफ पूरा देश इस त्रासदी से गुजर रहा है, इस तरह की विपदा झेल रहा है, आपदा झेल रहा है, और ये लोग उसका तमाशा बना रहे हैं, कभी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रदेश का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ जो किसान हैं, हमारे यहाँ के जो लोग जिम्मेदार हैं, उनका टमाटर खत्म हो गया, उनका मिर्च खत्म हो गई, उनके बटर खत्म हो गए, फ्राशमिन भूडे के भाव बिक रही है, लेबर मिल नहीं रही है। आने वाले समय में यही वक्त जो है वो सेब वालों को दिखने वाला है। तो क्या कर रहा है, क्या इनकी प्लानिंग क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के लिए क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं, क्या ऐसे हो पाएगा? तो चाल चित्र चेहरा इनका स्पष्ट हो गया है, आने वाला समय इनसे जवाब मांगेगा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं मांगेगी, पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश का आवाम इनके खिलाफ खड़ा होगा और इनसे जवाब मांगेगा। साथ का जो देश है पाकिस्तान, जिसके बारे में हम जो अगर वहाँ पे रोटी, चार रोटियाँ ज़्यादा पकती है उसकी जब चर्चा करते हैं, वहाँ पर की अगर बात करो तो आज पेट्रोल और डीजल के रेट उन्होंने कम किए हैं, और भारत सरकार जो है कर्फ्यू का फायदा उठा करके लोगों का खून चूस रही है और डीजलों की कीमतों में रेट बढ़ा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है बढ़ते हुए, पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल की कीमत जो है पेट्रोल से के कीमतों से ऊपर गई, इतिहास की बात है ये, और इसको मोदी सरकार को समझना चाहिए। कभी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में रेट बढ़ते थे तो इनके लोग जो नंगे घूमते थे, खचरों पे जो है वो जुलूस निकालते थे, टांगों में बैठ के जुलूस निकालते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के चूड़ी डाल के कहाँ बैठे, वो क्यों नहीं टांगों पे जुलूस निकालते, क्यों नहीं वो जो है वो नंगे घूमते। आज रेट दुनिया में, भारतवर्ष में जो रेट है वो सबसे ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़े हैं। इसका फर्क जो है आपकी एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर पड़ता है, चाहे आप राशन की बात कर लो, सब्जियों की बात कर लो, फलों की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, रेट का फर्क पड़ता है। ये मोदी सरकार का
एक दमनकारी नीतियां हैं, और पता नहीं कि मोदी सरकार इससे जो पैसा इकट्ठा कर रही है वो कहां खर्च कर